लगातार जनसत्ता में आपका स्वागत है। अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो या भारत, स्पेस टूरिज्म की दिशा में ये सभी देश तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि साल 2030 तक अंतरिक्ष की सैर की जा सकती है। इस सैर के लिए प्रति व्यक्ति 6 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए प्रति टिकट की लागत लगभग 6 करोड़ होने की संभावना है। भारत के अपने खुद के अंतरिक्ष टूरिज्म मॉड्यूल को लेकर काम चल रहा है जो सुरक्षित है। सोमनाथ ने कहा कि यात्रा करने वाले लोग खुद को अंतरिक्ष यात्री कह सकेंगे। हालांकि सोमनाथ ने अभी यह नहीं साफ किया कि अंतरिक्ष पर्यटन उपकक्षीय होगा या कक्षीय। वहीं ऐसी यात्राओं में यात्री अंतरिक्ष के किनारे पर लगभग 15 मिनट बिताते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान व टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरवरी में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इसरो ने भारत के उपकक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कार्य शुरू कर दिया। एरोस्पेस इंजीनियर और वित्तीय विश्लेषक डेनिस टिटो 2001 में 60 वर्ष के थे जब वे पहले भुगतान करने वाले अंतरिक्ष पर्यटक बने। उन्होंने सोयूज स्पेसक्राफ्ट पर उड़ान भरने और अंतरिक्ष स्टेशन पर एक सप्ताह बिताने के लिए रूस को $20 मिलियन का भुगतान किया था। तब से ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स सहित कंपनियों ने लगभग $4,50,000 से उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ानों पर टिकट के साथ अंतरिक्ष में ग्रामीण की पेशकश शुरू कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।